राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई मैं सबको बोलता हूँ, जब भी कोई भी मिलता है तो मैं बोलूँ, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपके पास पुराना गाड़ी, तो आज के टाइम में आपके कार में डैश कैम तो होना ही चाहिए। चाहे आप जो भी लगा लो, 5,000-10,000 आगे पीछे, कम से कम फ्रंट डैश कैम तो आपके पास जनरली होना ही चाहिए। आप गाड़ी कोई भी ले लो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये अंकल आराम से राइट मुड़ रहे हैं, ना इन्होंने इंडिकेटर दिया, ना इन्होंने हाथ दिया, बस मुड़ गए। तो चलो गाड़ी स्पीड में थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आदमी इतना तो सोचता नहीं है। बट जब भी आपको ना फुटेज की जरूरत पड़ेगी तो आपको लगेगा कि काश मेरे पास अभी डैश कैम होता। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, मैं सबको बोलता हूँ और मेरे ही जो भाई की गाड़ी है इग्निस, उसमें ही नहीं लगा हुआ है। तो मैंने उसे पूछा, भाई लगा लो, मैं सबको बोलता हूँ लगाने के लिए, तुम्हें नहीं लगा रहे हो, 5,000 रुपये। बोलते यार ज़रूरत नहीं है, क्या है नहीं है वो, मतलब माइंड सेट वाली बात है। लोगों को जब तक ना उसका नीड समझ में नहीं आता, जब तक कुछ ऐसा होता नहीं ना, तब तक लोग सोचते हैं अरे यार क्यों मैं 5,000 रुपये अपने वेस्ट करूँ, क्यों, क्या ज़रूरत है, चल रहा है बस। तो भाई इसका मतलब सबका माइंड सेट वही है जैसा मेरे भाई का माइंड सेट है, ठीक है। लेकिन यार फिर भी मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेते हो, आपके पास पुराना गाड़ी है, नया गाड़ी है, डैश कैम जरूर जरूर लगवाओ। जहाँ से लगवाओ, अपने लोकल मार्केट से लगवा लो या फिर मैंने लिंक दिया है वहाँ से खरीदो, लेकिन लगवाना जरूर, बहुत काम आएगा ना कभी ज़रूर काम आएगा। अब आप यहाँ पे देखना यार कि किसकी गलती है, मतलब ये साइकिल वाले अंकल आराम से यहाँ पे खड़े हैं, बट उनको सडनली याद आ जाता है यार मुझे चलना चाहिए, मुझे क्यों ही रुकना, और आराम से भाई साहब वो निकल जाते हैं, जबकि मेरी गाड़ी की स्पीड एवर 50 थी, ठीक है, और मुझे सडनली ब्रेक मारना पड़ गया। बट यार फिर भी सोचो, अगर ऐसी चीज़ों में ना कुछ हो जाता है तो आप कम से कम अपना प्रूफ दिखा सकते हो, क्योंकि भाई वैसे भी गाड़ी वाले का कोई कौन कितना सुनता है एक्सीडेंट होने के बाद, वो सबको पता है। तो आपके पास डैश कैम है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ।